हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारे क्लास टेंथ की जो वर्कशीट है आज की, इसमें किन किन टॉपिक को कवर किया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे समांतर और लंबवत रेखाओं की रचना के विषय में आपको बताया गया है। आपको पता है कि समांतर रेखाएँ रेल की पटरियों के जैसे होती हैं और लंबवत रेखाएँ यहाँ पर प्लस साइन के जैसे शो की जा सकती हैं। तो इनको बनाने के लिए आपके पास में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे कि प्रकार, पटरी और पेंसिल। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इनको किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रेखाखंड L लेना है। इस रेखाखंड के बाहरी बिंदु पर आपको एक P पॉइंट लेना है और इसी P बिंदु से आपको रेखा L पर कोई बिंदु X लेना है और P से उसको मिला देना है। P से मिलाने पर एक रेखाखंड आपको N प्राप्त होती है। इस तरह से केंद्र X से कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचते हैं जो L को C और N को D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से बच्चों, हम अगर इसको आगे देखते हैं तो केंद्र P से चरण तीन के समान त्रिज्या लेकर के एक चाप पुनः खींचते हैं जो कि यहाँ पर बिंदु P से खींचा जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ C और D बिंदुओं के बराबर C और D के अनुसार अपने प्रकार में डिस्टेंस लेनी है और उसी डिस्टेंस से आप बिंदु E को केंद्र मान करके एक चाप लेते हैं। उस चाप के अनुसार यहाँ से पॉइंट आपको F प्राप्त होता है और इस F बिंदु को P से मिला देते हैं। तो यहाँ एट लास्ट रेखा L समांतर M प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा को खींच लिए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी रेखा के लंबवत रेखाओं की रचना किस प्रकार से की जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि लंबवत रेखाओं की रचना के लिए आपको क्या क्या चरण अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको वही इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी जो इंस्ट्रूमेंट अभी हमने आपको बताए हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिया गया है। इस रेखाखंड को पुनः L नाम दिया गया है, तो इसे L नाम से डिनोट किया गया है। तो दी गई रेखा एक के एक को यहाँ पे L जैसा शो किया गया है, बट ये हम L पढ़ सकते हैं। इसको L के बाहरी भाग में एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P से हमें क्रमशः एक बड़ा सा चाप लेना है जो रेखा L को A और B बिंदुओं से कट करता हुआ जाता है। इसके साथ में हम पुनः बिंदु A से बाहर की तरफ एक चाप लगाते हैं और बिंदु B से भी एक बाहर की तरफ चाप लगाते हैं। इस तरह से चापों का कटान बिंदु Q है और P तथा Q को मिलाते हैं। इस प्रकार AB के लंबवत दूसरी रेखा PQ प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि इनको और भी किन तरीकों से समझा जा सकता है। तो इसी के ठीक नीचे यहाँ पर किसी रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना के चरण बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेखाखंड आपको ए बी दिया गया है, तो इस ए बी रेखाखंड में इसके लंबवत रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु ए को केंद्र मानना है और ऊपर तथा नीचे की तरफ चाप लगाने हैं। फिर बी को केंद्र मानना है और ऊपर तथा नीचे की तरफ हमें चाप लगाने हैं। तो चाप लगाने से हमें बिंदु सी और डी प्राप्त होते हैं। इस तरह से सी को डी से ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लंबवत रेखाखंड सी डी प्राप्त होता है जो कि ए बी लंबवत सी डी होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह हमने किसी रेखा के समांतर रेखा खींच दिया और किस प्रकार से लंबवत रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो आज के वर्कशीट में बस इतना ही। तो बच्चों, इसी तरह से आप इस वर्कशीट को सॉल्व करके और स्केल और अन्य इंस्ट्रूमेंट की मदद लेकर के आप इसको करके अपनी कॉपी में लिख करके इसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट हमारी समाप्त हुई।
मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।